वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे वाराणसी का दौरा। 430 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह समेत 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे कौम के नाम वफ। 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। श्री जगत गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल की सदी तकरीब की भी होंगे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज काशी एक रूप अनेक नुमाइश का करेंगे फिता। अमेरिका, ब्रितानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के फनकारों और खरीदारों के साथ करेंगे बातचीत। श्री सिद्धांत सुखमणि ग्रंथ के 19 जबानों में तर्जमे की करेंगे रूनुमाई। वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तआवुन को और बढ़ाने पर दिया जोर। म्यूनिख में डिफेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान और बढ़ाया जा सकता है तआवुन का दायरा। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार आज ले रहे हैं दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ। रामलीला मैदान में हो रही है हलफ बर्दारी की तकरीब। जापान में भारतीय मिशन ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर तीनों भारतीयों की सेहत है बेहतर। जहाज में सवार किसी भी भारतीय शहरी में इन्फेक्शन का कोई नया मामला नहीं। फ्रांस में एक चीनी सैयाह की वायरस से मौत। एशिया के बाहर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मौत का है पहला मामला। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1600 से ज्यादा। 68,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर। चीन के सेहत कमीशन ने दी 1843 नए मामलों की जानकारी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ साइमा खान। अब खबर तफसील से। और वज़ीरे दाखला अमित शाह दिल्ली पुलिस के यौम तासीस पर सलामी ले रहे हैं, आइए देखते हैं। अतिरिक्त आयुक्त पुलिस श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त पुलिस श्रीमती गीता रानी वर्मा, उपायुक्त पुलिस श्री जॉय एम तिर्की, सहायक आयुक्त पुलिस सेवानिवृत्त श्री मोहम्मद इकबाल, सहायक आयुक्त पुलिस श्री अतुल कुमार वर्मा, निरीक्षक रविंद्र कुमार त्यागी, निरीक्षक जयश्री गोसाई, उप निरीक्षक कौशल कुमारी, उप निरीक्षक महेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक सतेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक राजवीर सिंह,
प्रधान सिपाही वीरेंद्र सिंह। प्रधान सिपाही प्रेम चंद। प्रधान सिपाही जग निवास चंद। प्रधान सिपाही पूनम वर्मा। प्रधान सिपाही प्रोमिला। राष्ट्रपति सराहनीय पुलिस सेवा पदक स्वतंत्रता दिवस 2019। अतिरिक्त आयुक्त पुलिस श्री टी के भाई। उपायुक्त पुलिस श्री मोहम्मद अख्तर रिजवी। उपायुक्त पुलिस श्री हरेंद्र कुमार सिंह। उपायुक्त पुलिस श्रीमती सुमन नलवा। सहायक आयुक्त पुलिस मीना नायडू। सहायक आयुक्त पुलिस श्री हरीश चंद्र। सहायक आयुक्त पुलिस श्री मोहन सिंह। तो दिल्ली पुलिस के यौम तासीस के मौके पर किंग्सवे कैंप में मुनाकिद एक तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह सलामी ले रहे हैं। अभी आपको दोबारा से आपको वहाँ ले चलेंगे जिस वक्त वज़ीर दाखिला खिताब करेंगे पुलिस के जवानों से। मज़ीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज वाराणसी दौरे की बात करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के एक रोज़ा दौरे पर रहेंगे जहां वो 30 से ज़्यादा मंसूबों को कौम के नाम वफ़ करेंगे। इन मंसूबों में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में 430 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल और 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिमागी इलाज वाला अस्पताल शामिल है। वज़ीर आज़म श्री जगत गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल की सदी तकरीब के खितामी प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। वो श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 जबानों में तर्जमे और इसके मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगारी मरकज को भी कौम के नाम वफ़ करेंगे। वज़ीर आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 63 फुट लंबे मुजस्मे की नकाबकुशाई करेंगे। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए
IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन अहम मजहबी मकामात वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वहां काशी एक रूप अनेक नुमाइश का भी फिता करेंगे। वो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के फनकारों और खरीदारों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम श्री सिद्धांत सुखमणि ग्रंथ के 19 जबानों में तर्जमे की रूनुमाई भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगारी मरकज कौम के नाम वफ करेंगे। साथ ही वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 63 फुट ऊंचे पंचधात से बने मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। आइए जानते हैं इससे मुतालिक मजीद बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दीनदयाल जी की प्रतिमा का अनावरण है। 11 फरवरी उनकी पुण्यतिथि अभी गई है, उसको चलते हुए यहाँ जहाँ दीनदयाल जी ने देह का त्याग किया था वहीं एक संकुल बन रहा है, पुण्यस्थली बन रही है, प्रतिमा का अनावरण है, स्मृति उपवन का लोकार्पण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मेमोरियल में पंडित जी की तमाम जो जीवन के जो पड़ाव रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं, उनको दर्शाया गया है। ये प्रतिमा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ये आदर्श जगह है, ये हमारे लिए एक तीर्थ स्थल है। और ये प्रतिमा अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो ये आदमकद प्रतिमा जो पूरे भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तरह से होगी। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल को भी देश को समर्पित किया जाएगा। तो बहुत अहम मौका होगा, खासतौर पर जनसंघ और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से जिस तरह से एक मदद मिली है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खासतौर पर फोकस करने में, निश्चित तौर पर बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दौरान वीडियो लिंक के जरिए IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन रवाना करेंगे। ये ट्रेन अहम मजहबी मकामात वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। ये मुल्क में पहली ओवरनाइट प्राइवेट ट्रेन होगी। पेश है इसकी तफसीलात। देश और विदेश से तमाम लोग वाराणसी आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। अब एक ऐसी ट्रेन चल रही है जिसमें 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन उस ट्रेन के जरिए किए जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो लोग, जो श्रद्धालु आते हैं, वो जो वाराणसी से ट्रेन चलने वाली है उसके जरिए उज्जैन महाकाल जा सकते हैं और एक और ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। दादा, इस तरह की जो तमाम सुविधाएँ शुरू हो रही हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ कि यह सुविधा जनहित में है और ऐसी सुविधा देकर उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसी सुविधा हमारी सरकार ने दिया है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे तो जो है जनता को जो है जो तीर्थ यात्री है उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। तीनों ज्योतिर्लिंग को जोड़ रही है और बहुत अच्छा है और इसको प्राइवेट चलाया जा रहा है। जिस तरह से जनता जो है तेजस, एक तेजस एक्सप्रेस जो चलाई गई थी उसके साथ व्यवहार किया गया था, इससे अच्छा है कि प्राइवेट चलाई गई है। अब इससे अच्छी सुविधा मिल रही है हम लोगों को और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और हमारे माननीय मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और काशी से काशी महाकाल एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी पहल है और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी ट्रेन है और यहाँ से शुरू हो रही है, इसके लिए बहुत ही खुशी है। मोदी जी ने जो चलाया यहाँ से बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ से उज्जैन महाकाल यहाँ मतलब दर्शन करने के लिए जाएगी। और ये एसी है और इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इससे ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे सेफ्टी होगी। वो पहले क्या था कि हम अकेले सफ़र नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि सीसीटीवी कैमरेज लग गए हमारी मतलब सेफ्टी के लिए। बहुत अच्छा है, मोदी ने बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई अभी ऐसा ट्रेन में नहीं है कि जिससे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं और पहली बार ऐसा ट्रेन है कि इसमें ऐसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने वाले दर्शनार्थी के लिए बहुत अच्छी मतलब एक सुविधाजनक हो जाएगी कि जो इंदौर से वाराणसी आएंगे वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने और यहाँ से
जाने वाले होंगे और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, उनके लिए बहुत फायदेमंद ये ट्रेन होगी। ये ट्रेन बनारस से इंदौर जाएगी। इंदौर जाने में इस ट्रेन से शंकर जी के 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा और हम लोगों को महाकालेश्वर का दर्शन होगा, ओंकारेश्वर का दर्शन होगा। इसलिए हमारे हित में, जनता के हित में ट्रेन है, इसे बहुत बहुत लाभ है। मतलब महिलाएं जो बच्चे लेके आती हैं उनको असुविधा होती थी, लेकिन अब जो मोदी बना दिए हैं ट्रेन निकालने उसमें बैठाने के लिए बच्चों को, वो बहुत अच्छा सुविधा हुआ है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के सिलसिले में 80 घाट के लोगों में खासा जोश है। लोग यहां अब खुलकर वाराणसी में आई तब्दीली पर बात करने लगे हैं। काशी में कितना बदलाव आया और किस तरह से यहां जो तमाम देश दुनिया से लोग आते हैं वो किस तरह से उन बदलावों को देखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। 80 घाट कितना बदलाव देखते हैं बीते कुछ वर्षों में काशी? पहले से बहुत चेंजेस आ गए बनारस में। इतनी क्लीनिंग तो शायद पहले कभी मैंने देखी भी नहीं थी। हर जगह गंदगी होती थी और अब मेंटेनेंस इतना अच्छा है, हर जगह सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई, मतलब एवरीथिंग चेंज। जो सुविधाएं चाहिए आपको लगता है बनारस में है? कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारे को तो आके बड़ा अच्छा लगा, यहाँ आकर काशी आके बहुत अच्छा लगा। जो काशी है उसको दोबारा प्रतिस्थापित करने की बात हो रही है, वो पुरातन गौरव के साथ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है, किस तरह से देख रही है? बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है। पहले तो काशी में कोई सुविधा नहीं थी, पर अब हर घाट में सफाई है, हर चीज़ हो रहा है मोदी जी की वजह से। सब बहुत अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। यात्री लोग आ रहे हैं उनके लिए सुविधा है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। कई म्यूजियम बने, बुनकरों के लिए काम हुआ, तो ये जो पूरा एक डेवलपमेंट मॉडल जिसको लेकर मोदी जी आगे बढ़े हैं, ये जो चल रहे हैं इवेंट जगह जगह पे, ये बहुत अच्छा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम आभारी हैं मोदी जी के कि उन्होंने फिर से ये चालू कराया, ट्रामा सेंटर खुला, कैंसर इंस्टीट्यूट हुआ, संस्थानें हुई। सड़क के बारे में तो ये है कि ठीक है, सड़कें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें एक बार जब ख़त्म हो जाती हैं तो नहीं होती। क्या बदलाव आप देख रहे हैं? आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, बहुत बदलाव है कल्चरल, सांस्कृतिक और सड़क से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक। क्योंकि जब मैं 11वीं क्लास में 2009 में आया था तो काशी ऐसी नहीं थी जैसी आज आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कहीं बदलाव आया है तो 2014 के बाद। काशी में जिस सांस्कृतिक गौरव की बात की जाती थी, जिस संस्कृति की बात की जाती थी, उसको संरक्षित करने, उसको विस्तार देने का काम काशी में हुआ है और इस बात को लेकर लोग काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कैमरामैन की दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज काशी। और एक बार फिर बता दें आपको कि वज़ीर दाखला अमित शाह दिल्ली पुलिस के यौम तासीस पर किंग्सवे कैंप में खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पुलिस आयुक्त इमान अमूल्य पटनायक जी, DIG अरविंद कुमार जी, सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट, अलग अलग अर्धसैनिक बलों के DG, दिल्ली पुलिस के सभी जवानों, पुलिस कर्मचारियों के परिवारजनों, मीडिया के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं समस्त दिल्ली परिवार को 73वें पुलिस स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। 73वें स्थापना दिन पर खड़े रहकर पीछे मुड़कर दिल्ली पुलिस के देश की राजधानी और देश की सुरक्षा में योगदान को देखते हैं तो निश्चित रूप से मालूम पड़ता है कि दिल्ली पुलिस न केवल भारत, समग्र विश्व के महानगर पुलिसों में सबसे प्रमुख पंक्ति में आज खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय और दिल्ली पुलिस के लिए ये भी गौरव का विषय है कि दिल्ली पुलिस की स्थापना स्वयं लोह पुरुष सरदार पटेल, जिन्होंने इस देश को एक और अखंडित बनाने के लिए अमूल्य योगदान दिया, उनके चरकमलों और उनके आशीर्वाद से ही। और मैं मानता हूं कि
प्रदेश की स्थापना होना दिल्ली प्रदेश को आज तक नहीं अनेक वर्षों तक गौरव और प्रेरणा प्रदान करता है। सरदार पटेल ने 19 मार्च 1950 को एक कार्यक्रम में कहा था, मैं अपील करूंगा कि जितना भी गुस्से का कारण हो, प्रोवोकेशन हो और मिजाज बिगाड़ने का कारण भी हो, तो भी दिल्ली पुलिस ने मिजाज ठंडा रखना था। परंतु साथ ही साथ इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उपद्रवियों से नागरिकों को कोई परेशानी न हो और उपद्रवियों को सख्त हाथों से नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए भी दिल्ली पुलिस सदैव तैयार रखे। और मैं मानता हूं कि अनेक मौकों पर दिल्ली पुलिस ने सरदार पटेल जी के इस वक्तव्य को, इस सलाह को चरितार्थ किया है, जमीन पर उतारा। मित्रों, आज जब मैं दिल्ली पुलिस के स्थापना दिन तक के दिन यहाँ पर उपस्थित हूँ, तभी मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, स्थापना से आज तक जितने भी हमारे स्वतंत्रता दिन हुए, प्रजासत्ताक दिन हुए, अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने इस देश के मुलाकात की, अनेक प्रकार के राष्ट्रीय पर्व राजधानी में बनाए गए, हर पर्व में किसी भी प्रकार की चूक के बगैर सदैव दिल्ली पुलिस ने सफलतापूर्वक इसके संचालन में सरकार की मदद भी की है और हर मुद्दे पर विध्वंस करने वालों के इरादों को नाकाम करने का सफल प्रयास किया है और परिणाम भी प्राप्त किया। और इसी के कारण आज देश गौरव के साथ सुनिश्चित होकर राजधानी के अंदर इतना भी बड़ा अवसर हो, इतना भी बड़ा राष्ट्रीय पर्व मनाने का आयोजन हो रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हो, अगर निश्चिंता से दिल्ली पुलिस पर निर्भर होकर इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते। पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें समझना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, इसलिए केवल उसकी आलोचना या उपद्रवियों के द्वारा पुलिस को निशाना बनाना ठीक नहीं है, उसके काम को भी समझना चाहिए। पुलिस देश की शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम बिना किसी धर्म या जाति देखकर करती है, जरूरत के समय पर मदद भी करती है। पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है, पुलिस शांति की दोस्त है, पुलिस व्यवस्था की दोस्त है, इसलिए सदैव उसका सम्मान किया करें। मैं मानता हूं कि एक मोदी जी के शब्द दिल्ली पुलिस के हर जवान को उत्साह प्रेरित करने वाले। आप इस माध्यम से देश की जनता को भी कह रही है, पुलिस शांति की दोस्त है, पुलिस व्यवस्था की दोस्त है, इसलिए सदैव उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये मोदी जी के शब्द दिल्ली पुलिस के हर जवान को उत्साह प्रेरित करने वाले। आज इस माध्यम से देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि कई बार व्यंग्यात्मक तानों और व्यंग्यात्मक बातों से पुलिस की टीका करने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम जरूर सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये भी नजरअंदाज न करें कि देश की आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान, जान का बलिदान देश की सुरक्षा और देश की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया। चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे रूरल हो, चाहे ग्रामीण हो, हर जगह पे पुलिस का जवान ही पहला होता है जो हमें सुरक्षित और सुनिश्चित करता है। हमारे लिए अनेक त्योहार होते हैं, चाहे हम दशहरा मनाए, दिवाली मनाए, होली मनाए, रक्षाबंधन मनाए, मगर पुलिस के लिए हर त्योहार जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका होता है। इतनी जिम्मेदारी के साथ जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उनका सम्मान देश के हर नागरिक के हृदय के अंदर होना चाहिए, ऐसा मेरा देशवासियों को भी बड़े हृदय से अपील है। मित्रों, आज मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस 35,000 जवानों की शहादत को एक्नोलेज करते हुए, उसका सम्मान करते हुए एक पुलिस स्मारक की रचना की है और वो पुलिस स्मारक आज दिल्ली के हृदय स्थान पर अटल होकर खड़ा है, जो जवानों के बलिदान की गौरवपूर्ण गाथा हमारे सामने रखता है। मेरा सभी देशवासियों के आग्रह है कि जब भी आप दिल्ली आए, एक गौरवपूर्ण स्थान पर 35,000 जवानों को श्रद्धांजलि देकर अपना नागरिक धर्म जरूर हम लोगों ने पूरा करना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपने आप में एक यूनिक पुलिस है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, महत्वपूर्ण बिल्डिंग और 3 राज्यों की सीमा क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र दिल्ली पुलिस को सदैव चौकन्ना रहने के लिए एक प्रकार से चैलेंज देता है। आतंकवाद, महिलाओं की सुरक्षा, पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा, साइबर डिप्लोमेटिक एरिया की सुरक्षा, ऐसी ढेर सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस ने हर चुनौती का सामना किया है और इसी के कारण आज देश विकास के रास्ते पर जो आगे बढ़ा है, उसका नक्शा और उसका खाका खींचने का काम अपनी राजधानी में बखूबी हम कर पाते हैं। 1991 से लेकर आज तक 30 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें संसद पर हमले से लेकर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की अनेक घटनाएं। आज मैं इस मौके पर विशेष रूप से संसद के हमले में शहीद और कीर्ति चक्र मरणोपरांत सम्मानित दिल्ली पुलिस के जवानों को याद करना चाहता हूं। एएसआई शाही नानक चंद, एएसआई शाही रामपाल, हेड कॉन्स्टेबल घनश्याम, हेड कॉन्स्टेबल विजेंद्र सिंह, हेड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश, अगर 5 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान न दिया होता तो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र के मंदिर को विध्वंस करने का आतंकवादियों का मंसूबा विफल न होता। आज मैं फिर से एक बार देश के पूर्व मंत्री नाते संसद में शहीद और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले 5 जवानों की ओर से पूरे देश भर की ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। 10 वर्ष पूर्व वाटला हाउस में आतंकवादी कैंप की साथ मुठभेड़ में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को भी कैसे भुलाया जा सकता है। मोहनचंद शर्मा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर दिल्ली को एक बड़ी वारदात से बचाने का काम किया था और आज मैं उनको भी जरूर याद करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब तक काम करती रहेगी, आपका बलिदान, मोहनचंद शर्मा का बलिदान दिल्ली पुलिस के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अनेक वीर उपलब्धियां दिल्ली पुलिस ने हासिल की है। स्मार्ट पुलिसिंग स्कीम की कड़ी में भारत सरकार के द्वारा निर्भया फंड आधारित 112 की डायल सेवा, दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने और नागरिकों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए नेशनल साइबर फॉरेंसिक यूनिट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर तथा साइबर क्राइम यूनिट की शुरुआत सेक्टर स्रोत द्वारा में की गई है, जो साइबर अपराधों को निपटने में कारगर भी साबित होगी और देश भर की पुलिस को भी असिस्ट कर पाएगी। तो दिल्ली पुलिस के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बहुत से त्यौहार आते हैं, लेकिन हर त्यौहार दिल्ली पुलिस के लिए एक जिम्मेदारी लेकर आता है और जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, हर शहरी को उनकी इज्जत करनी चाहिए। आप ये खिताब DD News पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।